गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छा ही रहना चाहिए। और देखिए, हम लोगों को हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो बच्चा धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता है, वो जीवन में हमेशा कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, कछुआ और खरगोश की जब बाजी लगी तो खरगोश को घमंड हो गया कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं, और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता है। तो दोनों में रेस लगा, तो रेस में कौन जीता? खरगोश नहीं जीत के कछुआ जीता। क्यों? क्योंकि खरगोश तेज दौड़ कर भी बीच में वो रुक गया था और सो गया था, लेकिन कछुआ बेचारा जो है लगातार चलता गया। तो जीत हुआ कछुआ का। इसलिए हम लोगों को भी पढ़ाई में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आज हम लोग आज का होमवर्क देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज मॉडल साइंस फर्स्ट और मॉडल साइंस सेकंड में 5 तारीख है, 6वां महीना है, वर्ष 2021 है, अभी शनिवार है। एलकेजी के बच्चों को संस्कृत में होमवर्क देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एलकेजी के बच्चों को ये संस्कृत का किताब है, संस्कृत सौरभ। इसमें मैंने लिया है प्रार्थना कविता, इसको बोलना है, लिखना। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम्, तमेव तमेव सर्वम मम देव देवा। इस तरह से बोलिएगा और लिखिएगा। तमे मने तुम ही, च मने और, बंधुश्च मने भाई, सखा मने मित्र, द्रविण मने दान, सर्वम मने सब कुछ, मम मने मेरे, देव मने देव, देव मने देवताओं के देवता। इसी प्रार्थना को बोलना है और लिखना है एलकेजी के बच्चों को। अब यूकेजी के बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को सदाचार की बातें भागे, सदाचार अनमोल नीति भागे। इसमें मैंने यूकेजी को वन वाला चार्ट में होमवर्क दिया है, तो यूकेजी को सदाचार का 3-4 पार्ट को पढ़ना है, समझना है, और अनमोल नैतिक में 3-4 पार्ट को समझना है और लिखना है। आप लोग जो है, जो हम वीडियो शेयर करते हैं, उसमें अनमोल नैतिक का कुछ कहानी का वीडियो के माध्यम से हमने कहानी को समझाया है। आप सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको आएगा। और कुछ कहानी जो बचा है उसे मैं धीरे धीरे पोस्ट करता जा रहा हूँ। ये यूकेजी के बच्चों को होमवर्क है, वन क्लास के बच्चों को होमवर्क। वन क्लास के बच्चों को सदाचार की बातें भाग दो और अनमोल नैतिक भाग दो, ये नैतिक सेकंड। इसमें मैंने दिया है वन क्लास के बच्चों, यूकेजी के ही नीचे है वन क्लास। इसमें पार्ट 3-4 को पढ़ना है, समझना है, पूरा पूरा प्रश्न उत्तर बनाना है। अनमोल नैतिक भाग दो में पार्ट 3-4 को पढ़ना है, समझना है, पूरा पूरा प्रश्न बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 के बच्चों को, क्लास 2 के बच्चों को सदाचार की बातें भाग 3 और सदाचार अनमोल नैतिक भाग 3। इसमें मैंने दिया है चतुर व्यापारी और विनम्र की शाम को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है। अनमोल नैतिक में बार बार प्रयत्न करो और बुरी संगति से बचो, ये कहानी है, इसको पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है। ये हुआ 2 क्लास के बच्चों को। 3 क्लास के बच्चों को सदाचार की बातें भाग 4 और अनमोल नैतिक भाग 4। इसमें मैंने दिया है अपनी भूल स्वीकार करो, और 4वां पाठ में संतोष का, संतोष सबसे बड़ा धन, इस पाठ को पढ़ना है, समझना है, और इसमें का क्वेश्चन आंसर बनाना है। अनमोल नैतिक क्योंकि ये है, इसमें आप लोगों को पाठ 4 में विनम्रता कहानी को पढ़ना है। 3रा चैप्टर में अगले की जीत, इसको पढ़ना है, समझना है, और क्वेश्चन आंसर बनाना है। क्लास 4 और 5 का नैतिक 1 चलता है, तो उन लोगों को सदाचार की बातें भाग 5 और अनमोल नैतिक भाग 5। इसमें मैंने क्या, इसमें मैंने दिया है पाठ 3 ईश्वर सर्वव्यापी है, और पाठ 4 में तीर्थ यात्रा, ये कहानी को पढ़ना है, समझना है, और क्वेश्चन आंसर बनाना है। अनमोल नैतिक, अनमोल नैतिक
इसमें मैंने है आपका भाग पांच, पार्ट तीन में परीक्षा और चार में उपकार का बदला, ये दोनों जो है आपको ये हम पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो को सर्च कीजिएगा, ये दोनों कहानी आएगा, कहानी को वीडियो के माध्यम से समझिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, गलत नहीं बनाइएगा, ठीक है। जब स्कूल खुलेगा तो आपको फिर उसको बताया जाएगा, सही करवाया जाएगा। और आप लोगों को ये दोनों किताब ये अनमोल नैतिक भाग पार्ट तीन और पार्ट चार दोनों को मैंने कहानी की वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस जैसी बीमारी का पालन कीजिए। धीरे ही धीरे बढ़ना है, लेकिन हमको बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो सभी बच्चों को आज के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।